Hey, what's up guys, it's your boy Xanax Gaming back within the video yaar hum aa chuke kon hai PUBG Mobile ki #21th gameplay video lege aur yaar ye kafi zyada bahut hi zyada tagda gameplay hai jo ki hai 21 kill gameplay jo ki abhi tak ka highest kill record hai gameplay iska shayad to yaar to without wasting any further ado let's go So before starting the video, hit that red subscribe button and hit the bell notification icon to never miss. तो यार यहाँ हम उतरे थे मिलिट्री बेस पे जो कि है सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल गेम प्ले 21 किल और यार हाईएस्ट रिकॉर्ड ये मैंने अपना बताया तो कोई और दूसरे का ना मसल समझ ले और फटाफट मैं जानता हूँ कमेंट आ जाएंगे भाई क्या बोल रहा है मतलब कुछ भी मतलब वो सब कमेंट्स आ ही जाते हैं मुझे पता है तो यार मुझे मिल गई दो शॉट गन और विथ एक्सटेंडेड में एक 8 गोलियों के साथ तो मैं यहाँ चौड़ में घुस गया ऊपर की साइड तो यहाँ एक बंदा दिख गया और मैंने इसको क्विक S12 के से डाउन कर दिया और यहाँ मुझे इसकी गन मिल गई और सामने से एक बंदा वो कूद गया मुझे देख के कूदता हुआ तो बस मैंने इसका पीछा करने के लिए मैं भी चला गया तो यहाँ दो किल हो गए क्योंकि बीच में एक बॉट आ गया था मैंने उसको दिखाया नहीं और यहाँ एक नॉक बंदा पड़ा था पता नहीं किसका एक किल है तो बस यहाँ मैंने एक दो गोलियाँ और मार की शायद ऑफिस से बंदे मार रहे थे तो ऑफिस वालों का किल था मैंने चोरी कर लिया बहुत ही प्यार से और बस यहाँ पर मैं इस प्यार से किल को लूटने आ गया जिस बहुत ही अच्छी लूट थी काफ़ी ज़्यादा एमो था M4 के साथ तो बस मज़ा आ गया यहाँ पर तो यहाँ मुझे फुटस्टेप्स आ रहे थे और मैं अभी ग्राउंड फ्लोर पे ही हूँ और ये बंदा यहाँ पे TPP ले रहा था तो बस बहुत तगड़ा TPP था इनमें भाई साहब का मैक्सटन जैसा तो था नहीं तो मर गए बेचारे तो जब मैं यहाँ पे ऑफिस लूट रहा था तभी मुझे थ्री स्टोरी कह रहा हूँ सी बिल्डिंग से मुझे कुछ आवाज़ें आ गई यहाँ पे शूटिंग की तो मैं जब वहीं पे देख रहा था तभी मैंने देख लिया यहाँ पे एक बंदा गाड़ी से निकल रहा था मैंने बस बहुत ही एंड टाइम पे उस बंदे को नॉक किया है और यहाँ इसका दोस्त भी और यहाँ ये उसका भी दोस्त ये दोस्त नहीं है बॉट था मैं लगातार DP से 3 नॉक और एक गोलियाँ ऊपर चल रही थी हिल के उस पर मैं उस बंदे को भी देखने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ दोनों निपटा दिए और यहाँ तीनों तो बस दिए आगे बड़ी प्यार से साथ के हमारे क्या उन्हें थोड़ा ऊपर हिली एरिया में चला गया था वो दूसरे बंदे को देखने बट बहुत ढूंढने के बाद वो मुझे वहाँ मिला नहीं उसके बाद मैं किल की भूख में सीधा पहुँच गया नोवो भगाता हुआ अपनी बगी को और यहाँ मुझे दिख गए सामने बंदे दो तो बस वो लूट रहे थे बड़े प्यार से मेरी सीधा गाड़ी घुसाई उनके बीचों बीच पता नहीं नॉक क्यों नहीं हुए बट क्या करें एक ही स्प्रे में मैं दोनों को ले गया एक बंदा तो बड़े चौड़ में मेरे को फाइट ले रहा था एक कोने में जाके बैठ गया तो एक ही स्प्रे में निपट गए दोनों यहाँ बड़े प्यार से हो गए नॉक किल और इन पर थी M24 वगैरह बहुत तगड़ी तगड़ी गन्स तो यहाँ ले ली तुम्हारे भाई ने काफ़ी अच्छी लूट उसके बाद फिर से किल्स की भूख में इधर उधर घूम रहे थे तभी इधर बदर भटकते हुए सामने मुझे यहाँ बंदा दिख गया ओपन में उसने ही मुझे देख लिया उसने मुझ पर कुछ शॉट्स लिए लेने की कोशिश की बट वो कूद कूद के खुद को बचाने से पहले यहाँ बहुत ही तगड़ा बच गया वो बेचारा बिल्कुल बगल से गाड़ी गई उसके बाद मैंने दूसरी बार में उसको नहीं छोड़ा वो फिर बच गया तीसरी बार में हम नहीं छोड़ेंगे हम बिछड़ा बहुत ही ज़्यादा तुम अकड़ रहे और ये एक और बार कूदने की कोशिश लॉल ये एपेक्स सीन था इसने दो बार ही बहुत तगड़ा बचा है बट तीसरी बार भी सेम कूदने की ट्रिक में बेचारा मर गया तो ये हुए बड़े प्यार से 10 किल तो इसका जो ये दोस्त था वो मतलब क्या गए मतलब इसके जो ये अकेला यहाँ हार रहा था इसकी पूरी स्क्वाड सामने वाले कंपाउंड पे थी तो बस वो बंदा दिख गया मुझे ओपन पे और यहाँ दे दिया सीधा पट्ट से हेडशॉट उसके बाद मैं यहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड था मैं थोड़ा सेफ खेला था क्योंकि कोई रिवाइव नहीं था फिर मुझे लेफ्ट से पड़ी तो मैं थोड़ा देखने लगा और मुझे वो बंदा दिख गया एक्चुअली उन्हीं की टीम का अपने दोस्त को देख रहा है उधर मुँह करके कि वो नॉक हो गया बेचारा बट उसके बाद ये उसका दोस्त है जो कि रिवाइव करने जा रहा है जिसने पिछवाड़े पे डायरेक्ट एक शॉट खाया उसके बाद ये चैंपियन मंत्री करते करते यहाँ पे ये बंदे भी भाग गया उसके बाद ये दूसरा जो बंदा था उसको ढूंढने लगा वो कौन से पेड़ करा बट वो मुझे दिख गया तो यहाँ दोबारे भाई ने मंगा लिया अपना फ्लेयर ड्रॉप और उसका फ्लेयर ड्रॉप यहाँ पे आ गया तो बस यहाँ पे भी देखना बहुत तगड़ा सीन हो गया मैं जो चाहता था वो तो मिला नहीं बट मुझे उतना दुख भी नहीं हुआ क्योंकि मेरे पे AWM थी वो AWM निकल गया M24 थी तो पिछले ही गेम प्ले में मैंने बताया कि मेरे से M24 नहीं चलती बट क्या करें यूज़ करेंगे अब स्नाइपर तो चाहिए ना कोई सी भी तो बस यहाँ पे मुझे मैं लूट रहा था इतने मुझ पर कर दिया एक पुश बहुत ही तगड़ा पुश कर दिया दो बंदों ने तो एक बंदा अंदर भाग गया एक बंदा ऊपर ही अटका रह गया हवा में ये मतलब जो भी सीन था ना एपिक सीन था एक बंदे को पैर डाउन कर दिया एक हवा में ही अटक गया लॉल ये जो भी बंदा होगा इसको इतना गुस्सा आ रहा होगा इस टाइम मैं समझ सकता हूँ बट रेस्ट इन पीस ब्रो तो यार जब मैं ये कंपाउंड से किल्स की भूख के लिए
को ढूंढता हुआ निकल रहा था, तभी यहाँ पे मुझे वो बंदा दिख, कुछ बंदे की आवाज़ आ रही थी इसलिए मैं बार बार गाड़ी घुमा रहा था। तो यहाँ पे वो बंदा बहुत ही तगड़ी जगह छुप के बैठा, भी देखना वो देखो कहाँ कोने में छुप के बैठा है वो बंदा, वो भी गिली पहन के वो रहा वो बंदा। मैंने सीधा पट्ट से लेवल 3 दिया और ये पट्ट से बॉडी। तो यहाँ एंटनी भैया हमारे हो गए डाउन और कर गए हमारे लिए 14 किल्स। तो यहाँ कर दिया मेरे पे होल स्क्वाड ने पुश, वो भी राइट साइड वाले कंपाउंड राइट वाले घर में आ चुके हैं और वो बंदा मुझे दिख गया यहाँ पे जो मैंने मारने की कोशिश कर रहा था। एम पी को ने इसे डाउन कर दिया मैंने और ये ऑलरेड कर दी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बंदे बहुत पहले से एम कर रहे हैं, मेरे आने से भी पहले के, मुझे पता ही नहीं है। मैं यहाँ बड़ी देर से बैठा हूँ, मुझे पता ही नहीं है मेरे पीछे बंदे कैम कर रहे हैं और वो गिली वाले बंदे को भी नहीं पता था जिसको मैंने M24 से मारा। तो बहुत देर से कैम करे तो यहाँ पे ये वाली स्क्वाड वाइप करने में उन्होंने भी मेरी मदद की, मैंने ही बंदा डाउन किया और जो उनकी स्क्वाड का आखिरी था वो उन्होंने डाउन कर दिया। तो मतलब एक मैंने मारा, 3 उन्होंने मारे, ये 1:3 का रेशो हुआ। तो बहुत तगड़ा सीन था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, तो अब जाके मैं फाइनली उस बंदे से भिड़ूंगा जो इतनी देर से यहाँ पे कैम कर रहा है सी साइड में। तो ये बंदा मेरे को दिख चुका है और यहाँ पे मैंने इसको मार दिया सीधा बॉडी और ये बंदा हो गया यहाँ डाउन। तो यहाँ हो गए बड़े पैर से 16। तो यहाँ मैं गाड़ी से घूम रहा था तभी मुझे वहाँ एक बंदा दिख गया, यहीं कहीं पे एक बंदा दिख गया और वो रहा वो बंदा सोया हुआ है पट्ट से सीधा किंग 1-2-3 को हमने यहाँ पे कर दिया डाउन। तो यहाँ हो गए बड़े पैर से 17 के। उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे मैं फिर से किल्स की भूख में यहाँ घूम रहा था तभी मुझे ऊपर में एक बंदा दिख गया, इसलिए मैं घूम गया और यहाँ पे और यहाँ इसको मारने आ गया। तो ये बस यहाँ पे बैठ गया, पता नहीं यार बंदे नॉक क्यों नहीं हो रहे व्हीकल से, जबकि मैं उनके अंदर घुसा देता हूँ व्हीकल तब भी नॉक नहीं होते बंदे। उसके बाद यहाँ हम फिर से किल्स की भूख में घूम रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ मुझे बंदे दिख गए और यहाँ मेरी बहुत ही गंदी बगी स्लिप हो गई और मेरी पूरी, मैं कहीं भी रैंडम शॉट देने लगा और यहाँ बहुत ही बुरा बचा मैं यहाँ पे इस बंदे से। तो यहाँ मैं बार बार फ्री फायर दे रहा था M249 की, यहाँ ये फिर इसने मेरे को A1H पे छोड़ दिया था, मैंने बहुत ही बुरा था एक और दिया और यहाँ बड़ी मुश्किल से पता नहीं कैसे ये बंदा डाउन हो गया और 1-2 शॉट से ये बंदा डाउन हो गया और यहाँ पे मैंने इसको व्हीकल से किल कर दिया। तो बस हो गए 19 के। तो यहाँ पे आने वाला एपिक क्लच, जिसे यहाँ पे स्मोक हुआ था, मैं यहाँ स्मोक की तरफ बढ़ रहा था तभी यहाँ मैं सोया और यहाँ सांप के बच्चे हमने डस लिया। मेरा गुस्सा आता है इन सांप के बच्चों पे यार, ये मतलब 2 अलाइव थे, लास्ट 2 अलाइव थे यार, मैं आराम से मार सकता था, आराम से मेरे 21 किल हो सकते थे, इतना अच्छा गेम प्ले हो सकता था, पर इस पर क्या करूँ मेरी किस्मत ही इतनी ख़राब है। तो यार यही वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी एक लाइक मार देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। Oh,